हेलो एवरीबॉडी, मेरी बात हो रही है नाउ रिव्यू सेक्शन के रिगार्ड्स में। ये ग्रुप हमारा 24th का फिनिश हो चुका है। देखते हैं निकिता मैम को ये कैसा लगा। मैम क्या कहेंगे? ये बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान्ड ट्रिप थी एंड आई रियली एंजॉयड। मुझे सच में नहीं पता चला कि फर्स्ट डे जब हम आए थे और अब फिफ्थ डे हो गया और वेल वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ट्रिप्स लाइक दिस एंड या ऑब्वियसली आई रिकमेंड एवरीवन टू यू नो जॉइन सम और द अदर ट्रिप विद ग्रुपॉन। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, इसके अलावा ग्रुप ऑन हॉलीडेज का सबसे बेस्ट पार्ट रहा कि कोऑर्डिनेशन विद पंचुअल टाइम, और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस 5 दिन में इतने सारे एरिया को कवर करना और वो भी इतने ग्रुप के मेंबर के साथ। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो अपने छोटी बच्ची के साथ आया था, मुझे स्टार्टिंग में तो डर लग रहा था कि कैसे मैनेज होगा, कैसे मतलब हम उसको कैरी करेंगे, लेकिन बिल्कुल सब कुछ अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड हो गया और मेरी बेबी भी काफ़ी इंजॉय किया। इसका पूरा श्रेय नितिन जी और उसकी वाइफ पूनम जी को जाता है जो वेल कोऑर्डिनेटेड। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इतना रूड टाइम के बाद, लेकिन हाँ पता चला कि इतना सारे कवर करवाने हैं तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैंने ऑलरेडी अपने ब्रदर इन लॉ को रेफर कर चुका हूँ। हॉलीडे इन होटल काफी अच्छा था वहाँ, और यहाँ सबसे बड़ी बात ये मैनेज होना चाहिए कि होटल का इंफ्रास्ट्रक्चर इवन इफ सर्विस बहुत अच्छा था, इवन इफ वो वहाँ के स्टाफ भी काफी कोऑर्डिनेट। आज मेरी बेटी के लिए स्पेशली इडली उसने ऑर्डर पे बनाया जो कि आज के मेनू में था भी नहीं, उसने इडली पैक करके दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।